हाय। ये हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं सर? हमेशा भूल जाते हैं कहाँ जाते हैं। सारंगढ़। हम लोग सारंगढ़ के लिए निकल रहे हैं। हम लोग को लगता है 2-3 घंटा लग जाएगा, 2 घंटे से ज्यादा लगेगा क्या? ऐसे ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं। तो ये हमारे साथ नकाब पोस्ट में जो बैठे हैं, ये हमारे सर का स्टूडेंट है। नहीं, मेरे स्टूडेंट नहीं है। नहीं, मैं नहीं पढ़ा है। ओके, तो हमारा दोस्त है, छोटे दोस्त जो हमारे साथ निकले थे, छोटे रफी साहब। रफी साहब, यस। बहुत अच्छा गाना गाता है। हम लोग आज गाना भी गाएंगे कुछ गुलाम अली सर का, अच्छा सा गाना चूज करके। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। Stay tuned. और बिट्टा भी इसी तरह मैया मेरे ख्याल से फिर उसके बाद वो बनते हैं अध्यक्ष। तो रीजन ये है, मतलब ये ठीक वैसे ही है जैसे चला है हम लोगों का लेक्चर। जैसे कि मान लीजिए मेरे यहाँ कुछ घर बन रहा है ना, और एक नर्क लोक की रानी निकलने वाली है बाहर। आइए। ओके, तो अच्छा चलो चलो, गर्त रानी, तो तुम जमीन पर क्यों हो? एक्चुअली ये बहुत पहले एक बार स्वर्ग लोक में एक घटिया से लता मंगेशकर का गाना गा दी थी, तब इंद्र ने इन्हें श्राप दिया था। मारो सिल्ली। और खास बात यहाँ की, यहाँ आना किसी का अलाउड नहीं है, बट आप देख सकते हैं। हाँ, ये लास्ट में कपूत, क्या कपूतुंगा निकलेगा। यस, आगे जाके आपको लेफ्ट लेना है। सो हम हैं, जी इन हवाओं में दिल की कली खिल गई। ड्राइवर ड्राइवर, व्हाइट वाले ड्राइवर, दारू पिया है टोकरा। चले 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 चले। चैन आपको मिला मुझे तो जंगल मिल गया। गाना सुन रहा है। होश आपको मिला मुझे तो बेखुदी मिली। बताऊं तो भला मैं कैसे, ये दिल दीवाना है न माने। ला 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 ला, नहीं सुन गाना। चैन आपको मिला मुझे तो बेखुदी मिली। होश आपको मिला। ये जगह है और उधर भी कुछ लोग हैं। इज इट नैरो? वाओ, स्वागत है आपका। मारो सुनी झड़ी। रियली इट सीम्स वेरी गुड। बैठ के मस्त गाना गाएंगे यार, और क्या। हम लोग पानी का निरीक्षण करने आए, इतना मिनरल है कि नहीं पानी। देखो वीडियो चलाते। बोलता कहीं डैम वैम भी होगा छोटा मोटा, कोई बहुत बड़ी नदी तो है नहीं। बहुत बुरी देखो ना, नहीं ये सब तो रहता ही होगा नो डाउट। वाओ, दिस इज द मारो सिल्ली वेयर वी आर, एंड और दिस इज वेरी मच कोल्ड। बहुत ठंडा पानी है। इसमें थोड़ा सा काई है, हल्का इसमें काई है, हल्का। वाओ, मैं भी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ ऐसी जगह।
ये जन्मों का प्यार है, देखो न टूटे ये सजने, ला 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 हो बन जिंदगी ये हसी वाली, आ गए हम कहा मेरे, गए हम कहा मेरे साजना, इन हवाओं में दिल की कनी खिल गई, मुझको तुम जो मिले हैं मिल गई, मिले ना 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 यहाँ जी भर जियो, जो है समा हो रहो। ये हम लास्ट में खड़े, गाना वाना हो गया। मुझे फिल्म रोजा की याद आ रही है। ऐसे साउथ में कुछ जगह हैं जैसे कि वतापी के पास तुंगभद्रा रिवर पे भी है, और ऑफ कोर्स अगली बार जब मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा। ये पानी थोड़ा सा कम है बट पर्याप्त है, हम लोग वहाँ बैठे हुए थे और बहुत खूबसूरत है। मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये शायद जितना खूबसूरत आपको लग रहा होगा ना कैमरे में, उससे और मतलब 30% 40% आप और जोड़ लीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें क्या होती है ना वो तस्वीरों में बयान नहीं हो सकती। मतलब मैं आपको एकदम 4K रेजोल्यूशन दिखा सकता हूँ, है ना, बट ये मौसम, ये हवाएँ, ये आवाज़ है ना, ये ठंडापन, ये अपने अकेले घूमने का जो मज़ा है ना, ये देखिए। यहाँ पे बैठ के शायद खाना वाना भी बनाते हैं, और बहुत नीट एंड क्लीन है यार। इसका रीज़न मे भी ये भी हो सकता है कि यहाँ लोग कम आते हैं और उतरने का थोड़ा सा यहाँ दिक्कत है, और दूर है, थोड़ा सा दूर है, इस बात को मैं मानता हूँ, बट ये वाकई में बहुत खूबसूरत है। और कुछ चीज़ें मैं आपको कहूँगा कि यहाँ खाने पीने की कुछ भी नहीं मिलती भैया, तो अपना प्लीज़ पूरा चीज़ लेके आए। इवन पानी बॉटल भी एक समय के बाद जो है ना ढंग की नहीं मिलती है, आपको मन ही नहीं करेगा, पाउच मिलेगा तो पानी पर्याप्त लेकर आए, है ना। और ये जगह थोड़ा सा, कुछ लोग बोलते हैं जब पानी ज़्यादा होता है तो वो ना, ये जो एरिया है ना, ये वाला, यहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो इधर से भी जो पानी आता है तो वो ऐसे मतलब यहाँ से ऐसे इसमें आके मिलता है, इधर से भी मिलता है, तो झरने थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, नीचे उतरना उतना संभव नहीं हो पाता है, तो कम पानी में थोड़ा सा है। हाँ ये है कि ज़्यादा होता तो और खूबसूरत दिखता, वो हिस्सा जो है उधर से भी पानी का वाटरफॉल रहता है, सॉरी, तो जो आपको दिख रहा होगा पेड़ के पास, उन किसी ने मुझको बताया कि वहाँ पे ना बहुत तेज़ पानी गिरता है, मैं पहले समझा नहीं, बट अब मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये देखिए, मैं इस पेड़ की बात कर रहा हूँ, ये जो हल्का सा एक बहाव है ना, ये जब तेज़ हो जाता होगा सोचिए कितना खूबसूरत लगता होगा। मतलब उधर 2-3 शाखाएँ हैं, फिर ये शाखाएँ हैं, और ये जो रिसाव है अब ये कम हो रहा है, ये वाला जो मैं लेना चाह रहा था, ये देखिए ये थोड़ा सा कम है, बट ये भी बरसात में ज़्यादा होता है, और तो पूरे बरसात में आना पॉसिबल नहीं है, बट मेरे को लगता है अक्टूबर विल बी द राइट टाइम टू कम हियर। नाउ वी आर गोइंग बैक, और सही समय फुल दिन में ही आने का है, दिन में ही आइए पूरा। तो अब चलें चलें, बहुत गाने गा लिए हम लोगों ने, और ये वो जगह है। काफ़ी परेशानी थोड़ी सी धूप के कारण हो गई है, अभी मौसम ऐसा है ना कि जब हम लोग रायगढ़ से निकले थे तब उतनी धूप नहीं थी, ठंड थी, बट अब क्या हो गया कि धूप थोड़ी तेज है, बट यहाँ कम है धूप, यहाँ धूप आनी है तो अच्छा खासा ठंड लग रहा है, क्या बोलेंगे उसको, कुनकुनी धूप, गुलाबी धूप। राइट,
एक स्वस्ति बंदा आज हम लोग गा रहे हैं लास्ट गाना है ये मैं शुरू करूँ हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी ज्ञान का भंडार दे माँ ज्ञान का भंडार दे माँ शारदे वरदान दे शारदे वरदान दे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी ज्ञान का भंडार दे माँ ज्ञान का भंडार दे माँ शारदे वरदान दे शारदे वरदान दे हंस वाहिनी गई 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 चल 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 चले आप आ जाइए तो अलवि तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से फिर आएंगे अगले बार और हमारे सारे सब्सक्राइबर्स को हम कहेंगे कि प्लीज़ मारो से ले आएँ बट ये दो कौड़ी का काम ना करें ये सबसे बेहुदा काम लगता है मतलब डिस्पोजल यहाँ फेंक देना हाँ और इसको ख़राब करने वाले हम हैं सही में अच्छा होता है कोविड में आदमी लोग मरते जानवर इसलिए खुश होते हो भाई मानव प्रजाति कम तो हुई ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आइए ला 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 ना मैंने किया तेरा इंतजार ला 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 ना 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 चल गया सब की सांस खुली हुई है उतने गहराई से नीचे से हैं बहुत नीचे है मैं तुमको एक वाक्य सुनाता हूँ मजेदार कोविड के समय में एक वीडियो आया था उसमें क्या होता था आप भी सुनिए मजेदार है बिल्कुल सुन रहे हैं और हमारे फ्रेंड्स भी सुन रहे हैं है ना अरे जल्दी जल्दी मैं बोलता था कि जैसे वो ए पर जाएगी आपको सांस रोकना है है ना और जब तक वो ए से बी जाती है ना तब तक आपको सांस रोक के रखना है और बी में सांस छोड़ना था मैं करके देखा मेरा तो हो गया मैं वो किसी को प्रताड़ित किया जाए साइन मास्टर ने किया और ए में जाकर उसको स्लो कर दिया स्लो कर दिया ए से बी और स्लो कर दिया सेव किया उसको सामने वाले को भेज दिया वाह 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 अब क्या बात है बेवड़ा आदमी था नाम नहीं भगवान वीडियो ना देख ले वो किया सांस रोका मान लो सांस रोकने की क्षमता एक मिनट की थी मैं उसको सवा दो मिनट कर दिया वो तो रुक ही नहीं पाया रोक नहीं पाया छूट गया तो बोलता है एक बार और कर लो यार एक बार और किया जैसे एक बार और किया फिर नहीं रोक पाया तो कहते नहीं मेरा सिमरा कमजोर है हमारा भाई तू निपटेगा तू कर दिखा तो मेरे मन में तो अड़का हुआ एक वहाँ पर एक रोक दिया मतलब सांस को बी तो छूट और बेचारे बार बार करे तो इंसान को भगवान ने दिमाग दिया है उसका यूज करना चाहिए इससे हम क्या सीखते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी मोरल ऑफ द स्टोरी कभी कभी किसी को परेशान करने से उसका अच्छा ही हो जाता उसको पता है इस बात की चिंता नहीं था कि वो सांस नहीं रोक पा रहा उस बात को इस बात की चिंता थी कि नीरज कैसे कर ले रहा है लेकिन मैं उससे पतला इंसान नहीं वो आदमी एक्टिव नहीं यूट्यूब में नहीं देखेगा वीडियो आरोग्य सेतु तो अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ बहुत अच्छा फोटो आ रहा है बहुत लोकेशन बहुत अच्छा है तो हम वापसी में हैं ये हमारे ड्राइवर है कहाँ कहाँ से नहीं आ गए बताइए
कुछ में जानकारी है क्या? अभयरण्य चिराई, चिराई क्या प्रतिमा मतलब कटाई, पेड़ कटाई वहां से उधर के अभयरण्य के भीतर पहल वन्य प्राणियों को ना छेड़े। अरे मिला ही नहीं तो छेड़ेंगे क्या? वो हम लोग को बोल रहे हैं, हमको कोई नहीं। चलिए बैठिए, आपको दिखाते हैं। एक कुत्ता रास्ता भटक गया है तो वो एक बाइक के पीछे लगातार दौड़ रहा है। देखिए जानवर लोगों का भी सेंस कितना स्ट्रांग होता है, ये आपको दिखाते हैं। आप तेज मत कीजिए, वो घबरा जाएगा। आप स्लो रखिए, आप स्लो रखिए उसके। वेरी गुड, देखिए जंगल में भटक गया है बेचारा। हाँ, इसको रास्ता भटक गया है। वो रास्ता ही भटक गया है, देखो रास्ते में ही जा रहा है। उसको एक हिम्मत मिल रही है ना, गाड़ी आ रही है पीछे। स्टैमिना देखिए, पता नहीं क्या खाया है जंगल में बेचारा। हाँ, अकेले हो गया है, कोई नहीं है इस जंगल में। पता नहीं कैसे आ गया इधर, लेकिन अभी जा रहा है हम लोग के साथ। भूखा होगा बेचारा, उसको चिप्स विप्स भी दे देंगे, थोड़ा कहीं रुक जाएगा तो। हाँ, वो रास्ता पता है, रास्ते में जा रहा है हम लोग के साथ। अब वो अभी अंदर से निकला स्पीड में, गाड़ी का आवाज सुन के तब से वो रास्ता, वो आके इधर फंस गया है एक्चुअली। थोड़ा स्लो हुआ है बट गाड़ी देख रहे हैं, समझ में आ गया कि मैं सही रास्ते में हूँ। देख रहे हैं, स्लो ही ले लो। चलो 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 ना, चलो फोटो नहीं लेना। कितना दूर तक जाता है वही देखना है। सकान चालू, ऐसा लग रहा है कि जैसे पांडवों को एक कुत्ता लेके जाते हैं ना स्वर्ग तक। सकान चालू, या हम लोग के पीछे आना चाहिए तो हम लोग की गाड़ी तो पहले भाग जाएगी ना। किसी के पीछे आ गया और उसका मालिक चला गया, ये खो गया था। हाँ, इसे लगली गाड़ी के साथ जा रहा है। डोंट वरी डॉग, I am here to support you. लेके जाएंगे पगले। तुम लोग, तुमको कुत्ते के भीड़ में छोड़ के जाएंगे। समझदार है, समझिए। उसको भी कुत्ते का भू आ गया ना। नहीं, उसको समझ में ये आ गया कि ये रोड है। अगर हम लोग भी रुक जाएंगे ना तो फिर बेचारा परेशान हो जाएगा। हाँ, फिर वो इधर वो पीछे इसलिए देख रहा है, पता है। हाँ, अगर उसको डर रहता गाड़ी का ना तो साइड होकर रुक जाता। हाँ, वो रास्ता देख रहा है एक्चुअली में। ऐसे होते हैं जानवर, देखिए जानवर से मोहब्बत कीजिए, बहुत अच्छे होते हैं। इंसानों से तो बहुत लाख गुना अच्छे होते हैं। नहीं, अपन तो क्या सोचो, अपन बात करते तो भटक जाते, नहीं पूछना पड़ता है। हाँ, वो बेचारे पास क्या ऑप्शन है, वो यहाँ रहेगा सही मर जाएगा, पत्ते के अलावा कुछ नहीं जंगल में। हाँ, कुछ भी। हम लोग एक जानवर का जान बचाने वाले हैं आज। Rescue dog mission. हाँ, yes, correct. बस इस जानवर को हम गाड़ी में नहीं ले सकते, क्योंकि गाड़ी में लेंगे तो हो सकता है काट दे या डर जाए। नहीं, वो लास्ट में थकेगा तो खुद बैठ जाएगा, अगर खोलेंगे दरवाजा ना आ जाएगा अंदर। लेकिन हम गाड़ी में नहीं उठाएंगे। लेकिन एक चीज, स्टेमिना देखो उस डॉग का, बाप रे। पानी है हमारे पास, पानी के लिए रुका था जी। हाँ, पानी देना। तो हम लोग इस गांव से, गांव क्या नाम है पता नहीं, चले चले हीरो। चिप्स खा रहा है, गांव में भी अब चिप्स पहुंच गया है। ये वो गांव जो लास्ट में हमें पड़ा था, और इसी रोड से आपको सीधा जाना है, और यहाँ से आपको राइट टर्न लेना है। लॉकडाउन गांव है, क्वारंटीन गांव है, कोई किसी से बात नहीं करता है। ये देखिए गांव, और ये मेरे पीछे वाला रोड है जिसमें आपको मैंने जाने बोला, आगे जाके फिर आपको राइट लेना है ना। चलें, सब बैठ गए।
लेकिन खूबसूरत गांव है। सब समझ नहीं, आम वाम सब यहाँ से बेचने जाते हैं। देखिए इस घर के सामने भी एक रोड है और इन घर का पैटर्न भी बहुत खूबसूरत है। और ना देखिए दोनों रोड के बीच में एक मेन रोड है, ऐसा लग रहा है। नहीं ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है। मेरे को लगता है कि आगे जाके ना हार्ड बाजार भी लगाएंगे ना, या कुछ धान सुखाते होंगे। अनिवार्य छूट गया क्या मतलब? नहीं वो जो गेट था ना जो हमने दिखाया था, ये देखिए स्क्रीन पे आएगा अभी। उस गेट के सामने से ना तीन रोड है, हम लोग मतलब हमको जाना था राइट साइड, बट हमने सर सामने का रोड चूज किया है। ये रोड चंद्रपुर जाती है, तो हाँ। ये भी रोड आपको दिखा देते हैं। चंद्रपुर तो सामने ही है, तो चलते हैं इस रोड पे और देखते हैं। दिल बेकरार था, दिल बेकरार है, दिल बेकरार था, दिल बेकरार है, दिल बेकरार था, दिल बेकरार। छोड़ो पागल गया, मेन रोड छोड़ना बेवकूफी हो जाएगा। पता है वो रोड पता नहीं कहाँ जाएगी, नहीं जाएगी, क्योंकि उन्होंने कुछ बोले नहीं, उन्होंने बोले सीधा जाएगा चंद्रपुर। आवाजें हैं सर हुसैन की और पार्श्व गायक है स्नेहा मुखर्जी की। नहीं, ये पॉपुलर नहीं है, ये पॉपुलर वृक्ष देखिए कितने खूबसूरत है। क्या बात है, चलिए चलिए रेडी रेडी रेडी, हमने कहा अब स्टार्ट करिए। खुशबू की तरह आया तेज हवा, खुशबू की तरह आया तेज हवा, खुशबू की तरह आया तेज हवाओं में। सावन की घटाओं में
ये चांद बहुत भटका सावन की घटाओं में माना खुशबू की तरह आया वो तेज हवाओं